कोई वहां नहीं रह रहा भाई, ताला लगा हुआ, सामान पता है ऐसे फेंका हुआ था ना वहाँ पे, ये मुझे आगे बता रहे तुम्हारा सामान फेंक गया। हम हमारा सामान, पता है अगर उसने बंदी ने खाली भी करवाया कुछ भी करवाया एक बार बोल तो देती कम से कम। तुम छोड़ो आप, कोई बात नहीं, तुम अपनी लाइफ आराम से जियो, कोई दिक्कत परेशानी है मेरे को बता देना, ठीक है? जो तुम्हें कमी पेशी लग रही है सामान की, कोई दिक्कत है मैं करवा दूंगी। सो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब, होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों को तो पता है कि क्या क्या चीज़ें हुई है, और हम लोगों ने अभी नया घर लिया है तो मम्मी यहाँ पे आई नहीं है, और काफ़ी दिन भी हो गए मम्मी से मिले हुए। तो मैंने आज मम्मी को यहाँ पे बुलाया और उनको बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं हमारे साथ, बाकी सारी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें फ़ोन पर तो बता ही नहीं जा सकती। तो अब मैंने मम्मी को बुलाया है और देखते हैं वो कब तक आती हैं। बोल, मैंने फ़ोन किया था अभी, तो कह रही है कि थोड़ी देर में पहुँचने ही वाली हूँ, बस पास में ही हूँ, मेट्रो पर ही हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है आ जाओ, जब तक मैं भी फिर घर का थोड़ा काम कर लेती हूँ, जब तक वो भी आ जाएंगी। हाँ मम्मी, कैसे हो, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है, कहाँ थी इतने दिन? ठीक, कहीं नहीं, वो क्या कहते हैं समर मिले थे, वो आपको तो पता है लेटर छोड़ने के बाद मैंने फ़ोन वोन किया था उनको, तो वो मिले मुझे, फिर वो कहते हैं कि हम, मतलब हम थोड़े दिन के लिए बाहर चलते हैं, तो हम लोग गए थे नैनीताल। तुझे पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी? हाँ मुझे पता है आप फ़ोन कर रहे थे मुझे, पर मैं भी क्या करूँ बताओ, मैंने सोचा आप जाती हो फिर उसके बाद ही बताऊँगी, मैंने सोचा आप जाती हूँ साथ में जाती हूँ, क्या पता थोड़े दिन रहूँ उसके बाद ही आपको कुछ बताऊँ ना, फिर आप मुझे बोलती रहा हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ सब ठीक है। अब बता, और क्या, और बस वो ये बता रहे थे, वो गए थे मतलब हम वो आए थे दिल्ली से, मतलब हाँ। दिल्ली से कह रही हूँ, वहाँ से नैनीताल से, हाँ। देखा वो ये घर गए थे, मैंने कहा देख के आ जाओ, क्या पता दोनों हो वहीं पे ही, मतलब दोनों कह रही हो गुनगुन हो भी वहीं पे, ये रह रहे हैं, कोई वहाँ नहीं रह रहा भाई, ताला लगा हुआ, सामान पता है ऐसे फेंका हुआ था ना वहाँ पे, ये मुझे आगे बता रहे तुम्हारा सामान फेंक गया। हम हमारा सामान, पता है अगर उसने बंदी ने खाली भी करवाया कुछ भी करवाया एक बार बोल तो देती कम से कम। अच्छा, भाई हम दिल्ली आए, पता है दिल्ली यहाँ पे आए ना दिल्ली, फिर हम लोग पता है कहाँ का गए, पहले रोड पे यूँ बैठे हैं, फिर उसके बाद फिर इनको बोला है मैंने, फिर इन्होंने फिर इनके फ्रेंड के घर गए भाई, जब जाके ऐसे बैठे हैं हम लोग, बताओ आप, ये तो गलत बात है, ये तो कर तेरे को खाली करना था, तेरे को जाना ही था, सबसे बड़ी तो इनकी मम्मी की गलती है, उनके रहते रहते बताओ, इसकी मम्मी को तो समर की मम्मी को मुझे नहीं समझ आ रही वो क्या, उनके रहते रहते बताओ, वो जो है वो बोल रही है ना कि उसके बाप ने कहा खाली करने को, तो मैंने खाली कर दिया, बताओ तब तो तुम्हारा नुकसान बहुत हुआ होगा, क्या नुकसान हो गया? और ये कह रहे थे वो कैमरा भी नहीं है अभी वहाँ पे, और ना लैपटॉप भी नहीं, उससे बोला कि मेरा लैपटॉप दे दे, मेरा कैमरा दे दे, तो कह रहा जा हम देंगे नहीं, जा तो जो मर्जी करना वो कर ले। ये क्या मतलब होता है, इतना सामान कैसे रख लोगे तुम? पता नहीं, मैंने तो बोला इनको कंप्लेन करते हैं, हमने उस दिन करीब ही है, अब देखो क्या होता है। अपनी मम्मी को गुस्सा करना चाहिए ना, ये थोड़ी ना कि गलत करते, तो ये भी कहाँ जा रहे हैं, बोल तो रही थी रोज रोज फोन करती है, अब तो पहले तो कर भी नहीं रही थी जब उसके साथ थी, अब हमें जैसे यहाँ पे पता चल गया ना हम दिल्ली आ गए, तो कह रही है यहाँ आके रहा मेरे पास, यहाँ आ जाइए, वो मुझे याद आ रही है, कोई जरूरत नहीं है जाने की, हद हो गई है, मैं तो मैं कहाँ से जाने दूंगी, मैं भी क्यों जाने दूंगी फिर, मैं पागल थोड़ी हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं ना, हर चीज तुम्हारे साथ घूम भी लूँ, हर चीज कर लूँ, अब रख तो रही है अब रहे उनके साथ, अपने आप अकल आ ना, खुद रहेंगी ना दूसरों को रहने देंगी, हद हो गई है, मैं क्या बोलूं। समर की मम्मी ने ये सोच रखा है कि तेरे को कभी भी सही से रहने नहीं देना। अरे रहने नहीं देना तो फिर शादी की करवाई थी उस टाइम पे, रह लेती फिर उसी के साथ, तो जब तो जो तो पहले जूते चप्पल भी मारना फिर उसके साथ ही रहना बाद में, समझ ही नहीं आ रही ये कहानी, हद हो गई है, अपने बेटे के साथ रहती ना, नहीं उनको तो अलग ही है, बेटे की तरफ ना होके बहू की, जो बहू गलत है वो तो गलत के साथ है, चलो वो अकेली थी, शादी नहीं भी की होती तो एक समझ में भी आता, चलो अब तो उसकी शादी भी हर चीज होगी, फिर भी तुम्हें अपने घर पे बिठाना है, मुझे तो समझ में नहीं आता, पुराना टाइम भूल गई, पुराना टाइम समझ ही नहीं आता, कुछ नहीं आता उन लोगों को समझ में, जब बीत जाती ना तब समझ में आता, हाँ वो तो हमारे लिए वही अच्छी थी, समझाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो हमारे साथ ही लड़ने के लिए तैयार है, खुद से ही गलत सही नहीं दिख रहा और हम बता रहे हैं तो हम ही गलत है, हम ही ज्यादा बोल देते हैं, क्या कहें बताऊं, चप्पल मारे जूते मारे कुछ भी करो, अब रह रही है ना उसी के साथ में, क्या कहूँ बताऊं, वो तू पसंद नहीं आ रही तो रहने दे, मत रहने दे, समर को पसंद है ना, समर तेरे साथ राजी है तो बात खत्म, हमें क्या, मेरे साथ बंदा रह रहा तभी तो रह रही हूँ ना मैं, क्यों रहती, ठीक है तू अपने घर में आराम से रह, मैं रह रही हूँ यहाँ पे, क्या थोड़ा बस वही है कि अभी यहाँ पे करना पड़ेगा, और क्या टाइम लगेगा मम्मी, अभी तो पूरा सामान भी नहीं ना, अभी देख रहे हो कैसे है अभी, हाँ, उस घर में तो बेड भी था, अभी देख रहे हो कैसे रह रहे हैं, खुद देखो आप, सुख शांति से बड़ी वो उनको बोला मैंने आपके घर, मतलब आपके घर पे चलते हैं अपने घर पे, तो फिर वो कह रहे नहीं नहीं जाएंगे, क्या फायदा जाके, नहीं कह रहे नहीं जाना ही नहीं है, कह रहे लग रहेंगे वो नहीं आएंगे, ऐसा क्यों नहीं आएंगे, तो मतलब यहाँ पे मतलब कह रहे कि सेट, अब तुम्हारे घर आप अपने घर रहती है वहाँ पे आपके, मतलब फिर भी वहाँ पे तो जाके फिर तो लेना ही पड़ता ना, अब तो ये भी रहेगा ना आपके साथ की हम बेटी घर पे रह रही है या वो रह रही है, ठीक है जो करा अच्छा ही करा, लेकिन अगर तेरे को कोई जरूरत हो लग रहा हो तो मेरे को बता दिया, वो तो है वो तो ले लेंगे, बाकी सब। और समर कैसे हो? ठीक, बढ़िया, कैसा चल रहा है?
कैसा चलेगा, सब कुछ इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। हाँ, मैं गया घर पे, मैं राधिका को मैं बोला कि तुम नीचे रहो पहले, मैं देखूं रूम पे जाके जिस दिन नैनीताल से आया कि देखूं कि घर में क्या स्थिति है। अच्छा। अंदर जा रहा हूँ, दोनों रूम में ताला बंद और हमारा सामान बाहर फेंका हुआ है। बताया उन्होंने, मतलब मकान मालिक भी इतना, मकान मालिक भी इतना ये किया है कि वहाँ पे दोनों रूम में किराएदार को रख दिया, मतलब सामान फेंक दिया, सामान फेंक दिया, किराएदार को रख लिया। मुझे तो ये नहीं समझ में, फोन कर रहा हूँ, नहीं भाई जी आपका क्या कितने का नुकसान हुआ है बताओ भाई जी, हम दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। तो भाई जब 1 मार्च तक का पैसा दिया हुआ है पीछे में, और चाबी मैं दे के गया था यहाँ पे अपने दोस्त को, उसको फोन कर करके बार बार भाई जी दे दो चाबी, दे दो चाबी, दे दो, दिखवाएंगे, सफाई करवाएंगे, पूरा सामान फेंकवा दिया। मम्मी को तो दिमाग ही नहीं है, मम्मी वहाँ है कहाँ, वहां से खाली, वहां से खाली करके मम्मी वो ये सारा जो चाल है ना, ये सारा गुनगुन के पापा का चाल है। अच्छा, तुम्हारा सामान सारा बंद पड़ा था तो उन्होंने निकाल के फेंक दिया। हाँ, निकाल के फेंक दिया, उसके बाद वहां पे किसी और किराएदार को रख दिया। और मेरी मम्मी को भी इतना दिमाग नहीं है कि वो बात करती मुझसे, कुछ नहीं, वो गुनगुन के घर पे बैठी हुई है आराम से, इंतजार में कि समय वहीं आएगा। अब तुम्हारे सामान का ज्यादा नुकसान हो गया। नुकसान तो हो गया, इसके गुनगुन के भाई को भी एक दिन मेरी बहस हो गई पार्क में, उसको बुलाया था, मैं बोला भाई पहले तो मान ही नहीं रहा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, फिर बाद में बोलता हाँ हमने किया, हमने खाली करवाया। क्या मिल गया उसको? मैं बोला भाई उसके अंदर कैमरा था, कैमरा था, लैपटॉप था, वो दे दे। अरे चल खाली करवा दे, कोई बात नहीं, तू कल का हमारा सामान ही दे देता, हमें क्या चाहिए, तू अपने घर रहे हम अपने घर रहे, हमें क्या लेना देना है। ये गुनगुन का भाई भी कभी कौन से पलड़े में, कभी इधर कभी उधर, उसका कुछ समझ ही नहीं आता, मतलब कि अब या तो अपनी बहन की साइड हो जाए या इधर ही हो जा, ना घर बसाना है ना खुद को रहने। अकड़ और बहस तो इसके अंदर इतना है ना, मैं क्या बताऊँ। अब तुम्हारी मम्मी गुनगुन के साथ रह रही है? हाँ वहीं रह रही है, मुझे तो फोन भी कर रही थी कि मैं आती हूँ बता कहाँ आना ये वो, मैं बोला अभी रुक जाओ, अभी यहाँ पे आके करेंगे, कि यहाँ पे तो रहने के लिए भी कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये तो हम लेटे हुए हैं, वो आएंगे तो लेटेंगे, फिर कहीं कमर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। अगर आएगी तो पहले भी समझा देना यहाँ पे, चिकचिकबाजी नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत दिक्कत हुई है वहाँ से। तुम या नहीं तो मैं सोच रहा हूँ उनको अभी कुछ दिन के लिए गाँव ही भेज दूंगा, क्योंकि यहाँ पे फिर आएंगी, फिर ये गुनगुन, फिर वो ये, फिर उसके पापा, फिर उसके उसका भाई, ये ऐसा लोकेशन है कि यहाँ पे अब तुम्हारी मम्मी को समझ भी नहीं आ रही ना, क्योंकि गलत कभी क्यों गुनगुन के पीछे पड़ी हुई है, क्या परेशानी, परेशानी भी तो पता चले, क्या दिख रहा है गुनगुन में, वो बच्चा दिख रहा है, पता नहीं किसका है, तो कह रहे मेरा नहीं है, पता है किसका, समझने को भी तो तैयार नहीं होती है, वही थी ना वो जूते चप्पल मारी थी तब तो समझ नहीं आई थी। मैं क्या बोलूँ अब इन लोगों को। अब तुम छोड़ो, अब कोई बात नहीं, तुम अपनी लाइफ आराम से जियो, कोई दिक्कत परेशानी है मेरे को बता देना, ठीक है, जो तुम्हें कमी पेशी लग रही हो सामान की, कोई दिक्कत है मैं करवा दूंगी कवर। नहीं मम्मी वो तो ले लेंगे धीरे धीरे, और क्या बोले, लेंगे कोई बात नहीं, मेरा भी कोई फर्ज नहीं है, तो सर कोई दिक्कत नहीं, वो तो लेंगे ही लेंगे मम्मी धीरे धीरे, अब एकदम से कैसे, देखो घर बसा रहे, कुछ नहीं होता, सब बर्दाश्त हो जाएगा, बस उनकी भी तो आए भी चिंता फ्री, मैं भी थोड़ी हमें क्या पता था, खाली वाली कर दिया, वरना हम घूम के जो इतने दिन लगा के आए वहाँ पे, हम पहले आ जाते जब ऐसे ही पता रहता हमें तो। लेकिन कैमरे में मेरे का तो नुकसान हो गया ना राधिका, तो वो देगा ना, वो बाद में कैसे नहीं देगा, वो तो पहले ही क्या फेंकने की जरूरत है, क्यों करा उसने ऐसे, पता नहीं क्या दुश्मनी है, वो सोच रहा होगा ना, वो उसके साथ चला गया, परिवार में आपस में बन नहीं रही उस बात का, वो सोच रहा होगा ना, अब चला गया वहीं पे, अब यहाँ पे मतलब ये इस बहाने आएगा तो सही मिलने उससे, वहाँ जाएगा तो जाएगा कहाँ, घर पे ही आएगा इंसान और जाएगा कहाँ, क्या बोले, अरे इन लोगों का मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, कभी यहाँ कभी वहाँ। चल छोड़ना, वहाँ से जान छूटी, अच्छी बात है, ये जगह भी सही है। हाँ ये अच्छा है, वैसे भी देख रहे हो ना आप नीचे से आए हो ना, कैसा लगा, सही वहाँ पहले वाले से तो अच्छा ही है, पहले वाले से अच्छा है, और सुख शांति आराम से, और कोई है भी नहीं इस फ्लोर पे, वैसे भी उधर कोई है भी नहीं, अच्छा ऊपर टॉप मतलब ऊपर ही है, ये तो है आपको सही से रहो बस, और क्या। हाँ और क्या, देखते हैं अब कैसे चलता है, देखना यहाँ भी पता चल जाएगा ना, मैं भी तो घर देखूंगी, आप देखना पता चल जाएगा ना, यहाँ पे भी आके तमाशा करेंगे वो लोग, बस पता लगने की देर है, समर को बोला अपनी और एक लोकेशन पता लगने की देर है और कुछ